हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सोनी SRS XB43 पार्टी स्पीकर की। और ये है काफ़ी शानदार और प्रीमियम स्पीकर। प्राइस है इसकी वो वेरी करती है 15,000 रुपये से 17,000 रुपये के बीच में। और अगर इसके वेट का मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वेट है, मेरे हिसाब से अप्रोक्स 4-5 किलो के अराउंड इसमें वेट होगा। बाकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या सामान दिया गया है, इतना वेट किस चीज़ का है। फंक्शंस जो है इसके अंदर काफ़ी भरपूर दिए गए हैं, तो वो सारी चीजें हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये है अपना सोनी एक्स्ट्रा बास 24 आवर की बैटरी बैकअप वाला स्पीकर SRS XB43, और LED लाइटिंग के साथ आता है और वाटरप्रूफ है, वो भी आता है IPX7 की रेटिंग के साथ में। तो ये है इसका बड़ा सारा बॉक्स। और अगर ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ इसकी कुछ बातें हैं वो लिखी गई हैं, और जो MRP है वो है 21,990 रुपये, और जो प्राइस है इसकी मिलने की वो हमें ये ऑनलाइन मिल जाता है 15,000 से 17,000 के बीच में। और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है फरवरी 2021 की लेटेस्ट। तो देखते हैं इसकी बाकी डिटेल्स। और पीछे की साइड में अगर हम देखें तो यहाँ हमें इसकी कुछ हाइलाइट्स हैं वो दी गई हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले IP67 की है, इसके अंदर वाटरप्रूफ, डस्ट प्रूफ और रस्ट प्रूफ है, ये तीनों चीज़ दी गई हैं। उसके साथ साल्ट वाटर रेजिस्टेंट है, अगर आप बीच वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ अगर पानी में थोड़ा बहुत ले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा लाइव साउंड मोड है वो दिया गया है। पार्टी कनेक्ट अप टू 100 स्पीकर दिए गए हैं, 100 ऐसे ही स्पीकर हैं वो आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही बाई करना मुश्किल हो जाता है, 100 डोंट नो। उसके अलावा USB टाइप सी है, और स्पीकर है वो इससे चार्ज होता है, और शायद रिवर्स है वो भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा एक्स बैलेंस्ड स्पीकर यूनिट है, अगर आप वर्टिकल रखोगे तो भी बैलेंस है वो साउंड आएगा, और अगर लैंडस्केप में रखोगे तो भी ये जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा और इक्वल आएगा। उसके अलावा NFC का सपोर्ट है, ब्लूटूथ है, और मेड फॉर iPhone और iPod के लिए भी सपोर्टेड है। उसके अलावा बैटरी है वो है 24 आवर्स की। उसके अलावा स्टीरियो सिस्टम है वो भी हम पेयर है वो कर सकते हैं, 2 स्पीकर एक साथ ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा स्पीकर फ़ोन है, माइक्रोफोन है वो साथ में दिया गया है, वॉइस असिस्ट फंक्शन दिया गया है, और USB पावर पोर्ट फॉर स्मार्टफोन, ये रिवर्स वाला हो गया जो मैं आपको यहाँ बता रहा था वो। उसके अलावा सोनी की म्यूजिक सेंटर एप्लीकेशन है, उसको हम डाउनलोड करके इसको पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें फेस्टेबल एप्लीकेशन और भी मिल जाती हैं, जिसे हम एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब करते हैं जल्दी से इसकी जो सील है उसको ब्रेक, और सील ब्रेक करने के बाद में देखते हैं कि अंदर है वो क्या मटेरियल है हमें मिलता है। और सबसे पहले हम यहाँ से ओपन करते हैं इसको, और ऊपर ही ऊपर हमें इसका एक वारंटी कार्ड है वो मिल जाता है, 1 ईयर की हमें वारंटी मिल जाती है डेट ऑफ परचेज से। उसके बाद में ये हमें काफ़ी बड़ा सारा स्पीकर मिलता है, ये वाकई में काफ़ी बड़ा और भारी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वज़न है इस अकेले में, मेरे हिसाब से लगभग 3 से 3.5 किलो वज़न ज़रूर है। तो इसको रखते हैं हम एक बार साइड में, और उसके बाद में देखते हैं हमें कि हमें और इसमें क्या क्या मिल जाता है। उसके अलावा नीचे देखें तो ये इसका एक क्विक सेटअप मेनू है छोटा सा, इसको रखते हैं साइड में। और उसके साथ में ये एक और डॉक्यूमेंटेशन है इसका, इसको भी साइड में रखते हैं। यहाँ इसके अंदर हमें कुछ इसकी एक्सेसरीज़ हैं वो दी गई हैं, तो इनको हम चेक करें इनमें हमें क्या क्या मिलता है। तो ये बस एक इसका पावर एडेप्टर है, और ज़्यादा ही अजीबोगरीब पावर एडेप्टर है, देखते हैं कि क्या सीन है इसका। जो चार्जिंग केबल है वो है आगे की USB टाइप सी की, और एडेप्टर की अगर रेटिंग की हम बात करें तो रेटिंग आप देख सकते हो इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी रेटिंग है वो है नहीं, 5 वोल्ट 3 एम्पीयर की रेटिंग है, यानी कि 15 वोल्ट का ये चार्जर है और मेड इन चाइना है, मतलब 15 वोल्ट का चार्जर और इतना बड़ा दिया गया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों, मतलब इतना बड़ा चार्जर 15 वोल्ट का, और 3-पिन सॉकेट दिया गया है, किसी भी तरीके की फॉल्ट है वो ना हो उसके लिए। उसके अलावा अगर बॉक्स को हम देखें तो ये है एकदम से खाली थर्माकोल। और अब रखते हैं बॉक्स को साइड में, और आते हैं हम अपनी मैन है वो यूनिट पे, निकालते हैं इसको प्लास्टिक से बाहर। जो स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा भारी है। अगर इसके बिल्ड मटेरियल की बात की जाए तो ये है काफ़ी रग्ड टाइप का, एकदम शानदार दिया गया है, प्लास्टिक मटेरियल है। यहाँ से हम अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये अंदर है थोड़ा थोड़ा प्रेस होता है। यहाँ हमें लाइटिंग मिल जाती है दोनों साइड के अंदर, यहाँ सोनी की ब्रांडिंग मिल जाती है काफ़ी शानदार,
और यहाँ हमें NFC का सपोर्ट मिलता है, कोई भी NFC टच डिवाइस है उसको यहाँ टच कीजिए और डायरेक्ट है वो पेयर कर सकते हैं हम। उसके अलावा यहाँ है ये, इसको चार्ज का और पावर ऑन ऑफ का है। उसके अलावा यहाँ ब्लूटूथ पेयरिंग का, कॉल अटेंड करने का, डिस्कनेक्ट करने का, प्ले और पॉज करने का म्यूजिक के लिए, वॉल्यूम है अप डाउन के लिए, और उसके अलावा हमें यहाँ मिल जाता है लाइव और स्टेमिना। उसके अलावा पीछे की तरफ देखें तो यहाँ एक सेक्शन है, इसको हम ओपन करते हैं और ये जो रबड़ दिया गया है काफ़ी शानदार रबड़ दिया गया है। यहाँ हमें DC आउटपुट मिल जाता है और आउटपुट कितने वोल्ट का मिलता है वो इसके अंदर नहीं लिखा है, और DC 5 वोल्ट का इन है बैटरी है वो यहाँ से चार्ज होती है। उसके अलावा पार्टी मोड है और स्टीरियो स्पीकर पेयर के लिए बटन दिया गया है, और बैटरी है वो चेक करने के लिए यहाँ एक बटन दिया गया है, और ये हमें यहाँ एक रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ ऑडियो इन कर सकते हैं 3.5 mm जैक के थ्रू, तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है। और इसके अंदर भी वही बातें हैं लगभग लिखी हुई हैं, और आउटपुट है वो इसमें लिखा हुआ है 5 volt 1 ampere मैक्सिमम, यानी कि कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है, एकदम स्लो चार्जिंग होगा, लेकिन हाँ आपका काम निकाल देगा अगर आपका स्मार्टफोन है वो अगर डिस्चार्ज हो गया है। इस साइड में जो बास सिस्टम दिया गया है वो है काफ़ी शानदार, और यहाँ हमें सोनी की ब्रांडिंग है वो मिल जाती है दोनों साइड के अंदर सेम टू सेम। अब हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद में हम इसको पेयर करेंगे। इसको रखने के लिए हमें यहाँ ये दोनों एक रबड़ के सपोर्ट दिए गए हैं इसके, ताकि किसी भी तरीके का जो स्क्रैच है वो इसके अंदर ना हो। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको ऑन, और ऑन हो चुका है, लाइट है वो यहाँ जल चुकी है, ब्लूटूथ पेयरिंग की लाइट है वो भी जल चुकी है, और ये जो यहाँ लाइटिंग है ये लाइट है ये भी जल रही है। अब हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में इसकी हम देख सकते हैं जो लाइटिंग है वो यहाँ स्पीकर के अंदर यहाँ भी चारों जगह है वो दी गई है, काफ़ी कूल लगता है देखने में। अगर RGB लाइट ये सपोर्ट करता है तो और भी मज़ेदार वाली चीज़ ये होने वाली है। तो अब हम इसको पेयर करते हैं, और पेयर करने के बाद में साउंड भी बिल्कुल चेक करेंगे कि इसकी जो साउंड है वो कैसी आती है। तो ये है इसकी पूरी सेटिंग, फ़ोन के अंदर हम एप्लीकेशन जो सोनी म्यूजिक सेंटर उसके अंदर हम देख सकते हैं, और उसके अलावा अगर हम म्यूजिक प्ले करके देखें तो जो साउंड है वो आप सुन सकते हो कैसी है। वो मेरा सीधा साधा दिल, तेरी आँखों पर भी मुझे मालूम नहीं था तू मुझको धोखा देगी, अगर मालूम होता तो मैं तुझसे दिल लगा पाऊंगी। मैं तेरी गली में आता नहीं, मैं तुझसे दिल लगाता नहीं, मैं तेरी गली में आता नहीं, तुझसे दिल लगाता नहीं, मैं तेरी गली में आता नहीं, तुझसे दिल लगाता नहीं। तेरा नजरें मिलाना, तेरा वो मुस्कुराना, मेरे नजदीक आके मेरे सीने से लग जाना, गजब की जाल सासी पता में धोखेबाजी थी, अगर मालूम होता तो मैं तुझसे दिल लगाता नहीं, मैं तेरी गली में। तो आप सुन चुके हो, ये है काफ़ी पावरफुल साउंड और काफ़ी गजब की है ये चीज़। उसके अलावा ज़्यादा गाने आपको मैं सुना नहीं सकता, कॉपीराइट आने का डर रहता है। और बस यही था इस प्रोडक्ट का पूरा हिसाब किताब, काफ़ी शानदार चीज़ लगी मुझे। उसके अलावा यहाँ हमें ये जो बटन दिया गया है लाइव वाला स्टेमिना, इसके अंदर हम लाइव मोड कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, बास बूस्ट कर सकते हैं, बाकी ये सारे फंक्शंस हैं वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। और वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और मेरी सोच से काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये स्पीकर है, और काफ़ी शानदार साउंड है इसकी, एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसी। तो बस यही था इस प्रोडक्ट का पूरा हिसाब किताब। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। उसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो बाय लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाटा बाय बाय।